जेजी क्लब बनाम करपगम यू बनाम जो इनमें से नीत। तो आइए जया चित्रा क्लब के बारे में आपने बातचीत कर ली है, तो अब रास्ता नवनीत पहली रेड आपकी वाणी में सुनते हैं कि क्या करेंगे रेडर। ये बिल्कुल कनीश्वरन यहाँ पे कनीश्वरन अन्नादुराई जय चित्रा क्लब के लिए रेड लगाने गए हैं अपने बाई तरफ से, यानी कि वहां पे जो कॉर्नर का खिलाड़ी है वो दाहिने तरफ मौजूद, और मिररिंग का इफेक्ट हमें मिलता है और वक्त गुजर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है एम्प्टी रेड के साथ वापस जाना चाहिए। अपोनेंट आपकी स्ट्रेंथ को समझते हैं, कभी ना कभी आपकी अपोनेंट जो होते हैं वो वीकनेस को समझते हैं, बट आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का मिक्सचर करते हुए अपनी टीम के लिए इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखलाते हैं वो एक सबसे बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल टास्क होता है, वैरायटी ऑफ एरोस यानी वैरायटी ऑफ स्किल्स आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पे डिफेंसिव स्किल दिखाते हुए करपगम यूनिवर्सिटी और पहल, और उनके पास तो ब्रेन मौजूद है जो आप एक लीजेंड प्लेयर के बनने की बात करते हैं, क्योंकि वो काम रहते हैं हमेशा अग्रेसिवनेस हमने उन्हें ज्यादा नहीं देखी है। या राइट कवर की तरफ से गलती हुई है करपगम यूनिवर्सिटी, और सिल्वा को एक आसान सा पॉइंट में कहूंगा मिल जाएगा। राइट कवर जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओ कितनी पॉइंट्स है ये क्या, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर का भी अटैक आया था, बोनस भी वहां पर क्या चुराया गया था, लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर दोनों का शिकार बनाया। बेलमल सुपर रेड लगा दी दोस्त, ये तो आपने एंटी रेड के साथ वापस आएंगे। मुर्गन गौतम ओवरऑल वाईकेएस के अगर हम उनके डिफेंस में स्टैट्स देखें तो बहुत शानदार हैं। ये 3 और 6 बालमुर्गन यहाँ पे रेड लगाने, और ये क्या कमाल का हवा में खेल दिखाया है, जिस तरीके से ऐसा लगा आप उड़ गए। जैसे नंबर 2 आउट, शिकार पर शिकार, करपगम यूनिवर्सिटी अपने शिकार पर शिकार ढूंढ रही है। राइट कॉर्नर ने इस बार सोचा कि चलिए हम थोड़ा सा शिकार बनाते हैं रेडर का, बट पूरी तरह एक्सीलेंस सुपर टैकल ऊटीज गुरी सुपर टैकल का फिर से एक बार यहाँ पे मौका है बालमुर्गन, और एक स्कॉर्पियन किक लगाया, दूसरा किक लगाया लेकिन कोई संपर्क नहीं। करपगम यूनिवर्सिटी इस मैच में अपना वर्चस्व बनाते हुए, एक खिलाड़ी वहां पर बिल्कुल टच हुआ है, वहां पॉजेस के साथ स्पीड में एक्सेलरेशन करना यही देखने को मिला हमें इस रेड में। बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो मैच देखते हैं नवनीत, सबसे अच्छी बात है कि इस तमिलनाडु में हमें क्या अलग नजर आया, जैसा मैंने आपको पिछले मैच में प्रश्न पूछा था, क्योंकि यहाँ पर जो स्टे सभी प्लेयर्स का स्टेडियम के बहुत करीब है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि सभी प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे का मैच देखना पसंद करते हैं। कनीश्वरन ने इस बार शक्ति वेल थगवेलु की शील्ड रूपी स्कॉर्पियन टैकल को तोड़ा, क्योंकि पहले ज्यादा एंगल कट कर लिया था, बीच में गैप बहुत ज्यादा था, चेन में नहीं आए थे, तो दो प्लेयर्स को इधर से उधर तितर बिथर पर अच्छा किया है उन्होंने भी कुछ मैचेस में। रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं नवनीत, विल्स यूनिवर्सिटी ने साहब ने वहां पर एक खास चीज ये की कि उनके पास सभी जो प्लेयर्स है ना वो मजबूत प्लेयर्स हैं, और उन्हें पता है कि मुझे रोटेट करना है प्लेयर्स को, कि कभी भी किसी को भी किसी भी अपॉर्चुनिटी में खेलने का मौका मिले सब फायर करें। इस बार शक्ति वेल थगवेलु ने पहले ही सोच लिया था कि कनीश्वरन ने पिछली बार मेरे से 2 पॉइंट चुरा कर लेकर गए थे, तो इस बार मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। जैसे ही वो आए पहले तैयार खड़े थे, थोड़ा सरप्राइज लेकर खड़े थे, और उनकी निगाहें देख रहे थे शक्ति वेल थगवेलु को, स्टिल वो आगे बढ़ते चले पा रहे हैं, डिफेंडर्स ना अटैक कर पा रहे हैं प्रॉपर। डू और डायरेट है इस बार अजय नंदा, कृष्ण कुमार इस बार रेड पर आए डू और डायरेट, पिछली बार डू और डायरेट में उन्होंने गजेंद्र मूर्ति को शिकार बनाया था, आज राइट कॉर्नर खेल रहे हैं गजेंद्र। शक्ति वेल थगवेलु पर फिर से एक बार किक लगाने की कोशिश की, और फिर से सेम अंदाज में राइट कॉर्नर पर अटैक किया था सरन मुर्गन को, पता था कि अजय नंदा वापस यही काम करने जाएंगे, और सरन मुर्गन ने बिल्कुल लीथल डैश था, और पॉइंट की जो गाड़ी है वो लगातार बढ़ते हुए करपगम के लिए 17 पे पहुंच गई है गाड़ी। बालमुर्गन यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए, 3 खिलाड़ी मौजूद है, क्या यहाँ पे ऊटीज गुडी सुपर टैकल हमें देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे सुपर टैकल देख। ओ एक वक्त ऐसा लगा 2 पॉइंट जय चित्रा क्लब की मध्य रेखा को क्रॉस करेंगे रेड।
बिल्कुल वहां पर कोशिश यही थी, इस मैच में बड़ी कमाल मोमेंट है, उडीज गुडीज सुपर टैकल है, एक कारो मिडलाइन के बहुत क्लोज आ गए थे, बहुत क्लोज आ गए थे, मिडलाइन शायद छू भी दी होगी, पर वो मिडलाइन वो उसी सेकंड पर जब डिफेंडर ने थोड़ा सा पीछे खींचा तो वो सिर्फ मिडलाइन तक पहुंची, यहाँ मिडलाइन के पार भी जाएगी, यहाँ स्लाइड डुबकी दिखी, एडवांस टैकल करने गए, अब आंखों में जरूर थोड़ी सी क्षमा मांगी गई है डिफेंडर के द्वारा। क्या दो खिलाड़ी बाहर गए? कालिदास ने कहा कि चलिए अगर एक और खिलाड़ी आउट ऑफ बाउंड गए तो दे दीजिए पॉइंट, 2 पॉइंट दे दिए दो अंक, नंबर 52 एंड 11 आउट, 11 एंड 52 आउट है, ये गरीबी में थोड़ा सा और आटा गीला है नवनीत। राइट 21 10 का स्कोर, कनीश्वरन फिर से एक बार रेड लगाने के लिए पूरे सात खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, जो बोनस लाइन है मुझे लगा उसे क्रॉस करने का और आसानी से दे दिया गया है वो जगह कि आप बोनस ले जाओ, लेकिन यहां पर कोई टच पॉइंट्स नहीं देना चाहती है टीम। रेड आउट, बोनस पॉइंट, ऑल आउट, ऑल आउट नंबर 2 कर्पकम यूनिवर्सिटी, दूसरी बार ऑल आउट दे देगी जया चित्रा क्लब को, बोनस जरूर वहां पर कनीश्वरन ले जाएंगे क्योंकि दे आर द वन हु कॉल्स द कार्ड, वरना अगर कप्तान की काम ही नहीं है तो फिर आप कप्तान जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्ट वो आप नहीं बनाओगे। कनीश्वरन अपने पिताजी से बड़े इंस्पायर हैं ये, और इनके पिताजी जो भी स्टेट लेवल पर जिन्होंने कबड्डी को सर्व किया है अब यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही है, उन्हें प्राउड फील कराना चाहते हैं। सरेंद्र गिल से इस बार चूक हुई, वो एंगल उन्होंने कट कर दिया, बट वो गैप बहुत ज्यादा दे दिया था कनीश्वरन को निकलने का, 12-4 वो जो गैप है वो बढ़ते पर जाकर टच भी किया वहां पर, हैंड टच किया इससे पहले कर्पकम यूनिवर्सिटी के रेडर ने। कनीश्वरन ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी खासी हाइट है इनकी, और जैसा आपने पहले बताया कि इनके पिताजी इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, पॉइंट निकले हैं, वेलावाल सुपर 8 ट्रायल बिल्कुल आइए, ये नंबर 10 जर्सी कह रहे हैं कि अब हो चुका है बस, अब हम इस बस में करेंगे हमारे मुकाबले को, कितने पॉइंट्स आए कैसे आए हैं उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे अगले रिप्ले में, बट यहां 3 टच पॉइंट है वेलावाल सुपर 8 नवनीत। राइट कॉर्नर का अटैक आया, सरन मुर्गन ने कैच करने की कोशिश की, साथ ही साथ साथी डिफेंडर ने भी वहां पर प्रयास किया कि क्या कनीश्वरन को रोक पाया, बट कोई भी डिफेंडर क्लब को कर्पकम यूनिवर्सिटी से पार पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप सोच करके खेलते हैं ना तो इतना आसान नहीं होता है आपको विपक्ष के साथ पंगा लेना, बिल्कुल आसान नहीं होता है वो पंगा लेना, बट यहाँ पर पंगा लिया गया है, फिर से लेफ्ट कॉर्नर ने थोड़ा सा पंगा लिया, चैलेंज किया रेडर के यहाँ पर एंकल चॉकिंग स्किल्स को, और उन्हें बहुत ही काम करें वो अपना 100% देकर करें। कनीश्वरन अपना सुपर 10 बना चुके हैं, 7 टच पॉइंट, 3 बोनस पॉइंट्स हैं उनके पास, अच्छा मिक्सचर है टच पॉइंट और बोनस का, सरन मुर्गन से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। कनीश्वरन को एक बार फिर से देखते हैं क्या राइट कॉर्नर की तरफ जाएंगे, इस बार राइट कॉर्नर ने कहा कि बहुत हुआ, लेफ्ट कॉर्नर से हटकर राइट कॉर्नर की पोजीशन पर आए, चैलेंज के विरुद्ध चैलेंज आया, शक्ति वेल तंगवेलु ने बताया कि क्यों उन्हें स्कॉर्पियन शक्ति वेल तंगवेलु कहा जाता है, वेलकम टू दिस मैच शक्ति वेल तंगवेलु, क्या एंकल होल्ड था नवनीत, किसी को पता नहीं था कि राइट कॉर्नर पर शक्ति वेल तंगवेलु मौजूद है, और ग्रिप देखिए बाकी सभी टीम वो कहते हैं ना कि वेलु ने कहा कि जी नहीं केक कटेगा मैं अकेला खा जाऊंगा उसे। जी 29-15 एन शंकर रेड लगाने के लिए गए हैं, और पिछले 5 में से 5 पॉइंट उनको मिला है, और नंबर भी 5 नंबर की जर्सी, लेकिन इस बार कोई पॉइंट नहीं मिलेगा यहां पर देखने को मिलेगा, ऊटीज गुडी सुपर टैकल, जय चित्रा ग्लब, ये दूसरा ऊटीज गुडी सुपर टैकल है, इसके अलावा जब जब 7 या फिर 6 या फिर 5 या 4 का हाउस देखने को मिला कोई भी डिफेंस में पॉइंट नहीं मिला है, ये दूसरा ऊटीज गुडी सुपर टैकल है। अजय नंदा इस बार इनकी पोजीशन से आए, सरप्राइज टैकल करने के लिए चले गए, अच्छी ग्रिप वहां पर बन गई थी, अच्छा स्किल्स देखते हैं, बालाजी एक बार फिर से बुलाया गया, बालाजी जब पिछली बार भी आए थे तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेड थी, इस बार भी जब वो आए थे बड़ी इंपॉर्टेंट रेड है, बट बालाजी अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेकर जाते हैं तो उसकी मूल्यता भी बहुत ज्यादा होगी, बट बच के रहिएगा, बच कर रहिएगा, लेफ्ट फ्लैंक पर आज फायरिंग अंदाज में शक्ति वेल तंगवेलु मौजूद है, एक बार फिर से चेन में आए अटैक पर, 14 छठे 7 और 8वें पायदान की टीम अब
अगर पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे पायदान की टीम को हराती है तो उन्हें उस मैच विनिंग पॉइंट से दो और अतिरिक्त पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिसे हम लगातार आप सभी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बट सेकंड हाफ इज ऑल अबाउट शक्तिवेल थंगवेलु। शक्तिवेल थंगवेलु ने दूसरे हाफ में कोहराम मचाया है। नवनीत जी, निश्चित रूप से कोहराम, बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग यहाँ पे। 36 और 17 का स्कोर और क्योंकि जया चित्रा क्लब, हमने बहुत सारी बातें इनके बारे में सुनी और बिल्कुल वैसी टीम भी है। हाईफाई बना चुके हैं शक्तिवेल थंगवेलु इस बार, क्योंकि राइट कॉर्नर पर विजेंद्र मूर्ति थे, शक्तिवेल थंगवेलु नहीं थे, तो बैठना ही पड़ेगा। उस टॉपिक पर जा रहा था, नवनीत जान जया चित्रा की बात कर रहे थे। जया चित्रा के बारे में हम इसलिए थोड़ा सा इस एडिशन से पहले ही सुनने लगे थे क्योंकि हमें जिस प्रकार से बातचीत अभी पता लगी कि इनके स्क्वाड में स्टॉमी सुधाकर और मसाना मुत्तू भी मौजूद हैं और उन दोनों का नाम एक ही टीम में होना, जया चित्रा के नाम में होना। जी, अक्कर पगम के रीडर्स आज अच्छा खेल रहे और हर वक्त इस टूर्नामेंट में उनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। कनीश्वरन अन्नादुराई जो अपने फादर से प्रेरणा लेकर के ये कबड्डी का खेल खेलते हैं, उनके भाई जैसा कि हमें पता चला है वो भी कबड्डी खेलते हैं, तो जब घर पे इतनी कबड्डी मौजूद है, जैसे नंबर टू आउट, खिलाड़ियों को एक दूसरे पे कितना भरोसा है, कितना सामंजस्य है। 40-21 एन शक्कर या रेड लगाते हुए छह खिलाड़ी मौजूद हैं और दो खिलाड़ियों का सफाया करेंगे निश्चित रूप से। कर्नाटक यूनिवर्सिटी तो डुबकीज भी है, जंप्स भी है, ये भी वो स्कोर टिकर में एक और बार बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। इस बार दो अंकों का वो बदलाव है, दो डिफेंडर्स जिन्हें शायद बेंच से बुलाया गया था वो दोनों क्या शायद यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। इस बार नंबर 11 जर्सी हाथ को भी पकड़ लिया गया, बालमगन गए हैं बाहर। यहाँ पे रामकिशन आए हैं जय चित्रा क्लब के लिए, पांच खिलाड़ी मौजूद। सीधा सा अर्थ ये है कि बोनस लाइन नहीं खुला रहेगा और कर्पगम यूनिवर्सिटी बोल रही है कि रामकिशन अगर आपको पॉइंट चाहिए तो अंदर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पकड़ा और मोमेंटम को तोड़ा यूनिवर्सिटी। ये अकेले दम पर आते हैं, कहते हैं ना कि वो जिस तरह से अपना कमाल करते हैं। ये देखिए शक्तिवेल थंगवेलु, लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ रामकृष्ण जो है वो टर्न कर बच जाएंगे, बट क्या रेड का इशारा और यहाँ पे दिनेश कुमार गिर गए हैं। रेड आउट, वन पॉइंट जय चित्रा। ये तो यही कहना चाहेंगे, डोंट सेलिब्रेट सो अर्ली माय बडी। स्वयं भी देखिए थोड़ा सा वो भी नाखुश है, थोड़ा सा वो भी शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा वो भी एम्बरेस फील कर रहे हैं। राइट कवर पर टच करने की बात कह दी थी, तो वही कह दिया था कि आप आउट हो चुके हैं, चाहिए अब आपको ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ेगा। अब हम उन्हें युवा कबड्डी के मंच पे देखेंगे, क्या खूबसूरत दृश्य होगा वो। कर्पगम यूनिवर्सिटी और जय चित्रा क्लब, वक्त अब बचा नहीं है, ये आखिरी रेड हो जाएगा। हार गौतम, बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है नवनीत जब अपने क्लब। वन पॉइंट कर्पगम यूनिवर्सिटी, जैसे नंबर टू आउट होता है जब आप अपने क्लब से खेलते हैं। यहां क्या हुआ था, आर गौतम वहां पर रेड पर थे, राइट कॉर्नर को फिर से जाकर टच किया। आज डिफेंस में ट्रेल बैक करना, अपने आप को पीछे लेकर जाना दूसरे हाफ में, तो और वो जो स्कोर डिफरेंस